नमस्ते साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों आज हमें नो डे की एक थीम है दूसरे शनिवार की भाषा कौशल विकास इस थीम पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें समूहवार या ग्रुप वाइज एक्टिविटीज करवानी है या हम करवा सकते हैं तो सबसे पहले ये कक्षा एक और दो का जो ग्रुप है जिसका नाम है इस अंकुर इस अंकुर ग्रुप के पर बात करेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियां हमें आयोजित करवा सकते हैं चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें करवाना है और ये समूह एक पहले और दूसरे मतलब प्रवेश जिसमें तीन चार पाँच कक्षाएं हैं और अंकुर जिसमें पहली और दूसरी कक्षाएं हैं इन दोनों समूहों के लिए ये गतिविधि काम में आ सकती है गतिविधि का नाम है वर्ड इन द बॉक्स आवश्यक सामग्री है पेपर की चिट और एक डिब्बा चाहे वो कार्टून का हो या कोई स्टील का हो या हम कह सकते हैं कोई भी एक ऐसी बाल्टी टाइप या कोई भी एक डिब्बा हो जिसमें वो चिट्ठी और समेट के रखी जा सके उसके अंदर कुछ नाम लिखेंगे समय इसका दो घंटा है गतिविधि के चरण है शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार पेपर की चिट बनाएंगे हर एक पेपर चिट पर अंग्रेजी का एक शब्द लिखें जैसे मैंगो बनाना फैन कलर टेबल चेयर विलेज ट्री इट्टी सी और भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से और शिक्षक इन चिटों को एक बॉक्स में डाल देंगे उस बॉक्स में से सभी विद्यार्थियों को एक एक चिट उठाने को कहेंगे विद्यार्थियों से उस चिट पर दिए गए विद्यार्थी जो भी चिट उठाएगा उसके अंदर कोई ना कोई नाम है तो उस चिट में दिए गए शब्द के बारे में विस्तार से बताने को उनसे कहा जाएगा कि बेटा आपके में जैसे बनाना निकला केला तो केला क्या है केला एक फल है ये बारह महीने रहता है मतलब इसका कोई वैसे सीजन ही नहीं होता कच्चा केला हरे रंग का होता है जब वो तैयार हो जाता है पक जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है और ये इसके अंदर का जो गुदा है वह है खाने के काम में लिया जाता है इस प्रकार से बच्चे उसकी बारे में बताएंगे घर वाले जब भी बाज़ार जाते हैं तो और कोई फल लेके आए ना आए लेकिन केले ज़रूरी लेके आते हैं उनका सेप इस प्रकार से होता है आदि आदि बातें बता सकते हैं तो विद्यार्थी अंग्रेजी या हिंदी जिस भाषा में भी सहज है उस भाषा में उस शब्द के बारे में बताएंगे सीखने के प्रतिफल रहेंगे कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा अथवा और स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करना सीखेंगे मतलब वो मारवाड़ी में बताएं तो भी चलेगा अपनी बात खुलकर कह सकने अपने निजी अनुभव साझा करने का वे कौशल सीख सकेंगे हाँ साथियों एक निवेदन ये भी था यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको नो बैग डे से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर दी जाती रहेंगी नो बैग डे का रजिस्टर किस प्रकार मेंटेन करना है ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार करनी है गतिविधियाँ किस प्रकार से करवानी है इत्यादि दूसरा जैसे ये अंकुर के लिए है ए, अंकुर ग्रुप के लिए गतिविधि का नाम है कविता के माध्यम से पूर्ण भावनात्मक विकास इसमें शिक्षक हाव भाव के साथ एक कविता का वाचन करेंगे विद्यार्थी उसे दोहरा सकते हैं आप इससे कविता को लिख सकते हैं कि एक दिन देखा बिल्ली मौसी को भूख प्यास व्याकुल किसको खाऊं किसको खाऊं म्याऊं 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 एक दिन देखा कव्वे राजा को भूख प्यास से व्याकुल क्या खाऊं क्या खाऊं काऊं 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 अब शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके मनोभाव जान सकेंगे कि बिल्ली को किस किसने देखा मतलब बिल्ली किस किस की देखी हुई है कैसा रंग होता है और उसकी हाइट क्या होती है किस प्रकार से बिल्ली के बारे में उस उन बच्चों से क्योंकि आपके सामने पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं तो बच्चों से हम उनकी अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार की कविताओं को सामने रख कर या भूखी बिल्ली या भूखी बिल्ली ए, किस किस चीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करती है जैसे दूध को सबसे ज़्यादा पसंद करती है इस प्रकार से बिल्ली के अलावा और कौन कौन से जानवर आपने अपने आसपास या अपने घरों में देखे हैं कौवा किस किसने देखा है उसकी आवाज़ कैसी लगती है और क्यों लगती है और किन किन पक्षियों की आवाज़ सुनी है और पक्षियों की आवाज़ किस प्रकार की होती है इत्यादि प्रश्न हम कर सकते हैं इस बातचीत के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा बताए जाने वाले जानवरों और पक्षियों के नाम अलग अलग कॉलम में नोट करते जाएंगे और इस वर्गीकरण पर बात करते हुए विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए प्रत्येक नाम का विद्यार्थियों से दोहरान भी करवाएंगे सीखने के प्रतिफल क्या रहेंगे कि विद्यार्थी अपने आसपास के पशुओं व पक्षियों से संबंधित शब्दकोश को विकसित कर सकेंगे समूह दो जिसका नाम है प्रवेश कक्षा तीन से पाँच का इसमें गतिविधि का नाम है कहानी या कविताओं की चित्रकथा या एक पोस्टर बनाना समय दो घंटे आवश्यक सामग्री है पेपर पेंसिल कलर व कहानियों की किताबें गतिविधि के चरण इस प्रकार से रहेंगे कि गतिविधि की शुरुआत पुस्तकालय की किसी किताब के मुखर वाचन से की जाए इसके बाद विद्यार्थियों से कहानी और उसके कवर पेज पर बने चित्र के बारे में चर्चा की जाए किताब का कवर पेज जो भी है और चर्चा के पश्चात विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुसार पढ़ी हुई या सुनी हुई कहानी या कविताओं के दृश्य चित्रकथा पोस्टर आदि बनाने को दिए जाएंगे और इन्हें कक्षा की दीवारों पर हमें चस्पा भी कर सकते हैं अब कोई टाबर कह दे गुरु जी ने तो झिंडिये की कहानी सुनी ही नन्नी को दादी को है ना तो एक झिंडियो हो नन्नी के चालो है न प्रकार की कहानी टाबर बता सकें सीखने के प्रतिफल क्या रहेंगे कि विद्यार्थी अलग अलग तरह की रचनाओं और सामग्रियों को पढ़कर समझ कर पढ़ने के बाद उन पर अपनी प्रतिक्रिया देने का कौशल विकसित कर सकेंगे ये भाषा कौशल विकास का कक्षा छः से आठ के लिए जो ग्रुप है उसके लिए ये प्रश्न ये गतिविधि बनती है साहसिक घटना पर अंग्रेजी फिल्म समय दो घंटे विद्यार्थियों को एलईडी या टीवी पर वेब सीरीज़ या डॉक्यूमेंट्री आदि दिखाई जाएगी फिल्मों में या फिल्म में आए कठिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण को शिक्षक अपने स्तर से बताएंगे और फिल्म के दौरान शिक्षक द्वारा घटनाओं से जुड़े कुछ लघु प्रश्न किए जाएंगे मतलब बीच बीच में से जैसे हम पाठ के बीच में से बौद्ध प्रश्न करते हैं वैसे ताकि विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वो उसे ध्यान से देख भी सकें हम फिल्म को बीच बीच में रोक रोक कर भी और बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि ये बात किसने किस से कब कही वो कहाँ गया वो कहाँ से आया इस प्रकार से वह क्या करता है वह क्या करती है इस प्रकार से इस प्रकार से शब्द संग्रह वाक्य रचना कौशल और उच्चारण कौशल को विकसित किया जा सकता है सीखने के प्रतिपद रहेंगे विद्यार्थियों में सुनने देखने की क्षमता के साथ साथ अपने समझ को संग्रहित करने की क्षमता का भी विकास होगा आगे चलते हैं बी स्मार्ट में कि सुनें और अपनी बात कहें <coughs> तो आवश्यक सामग्री क्या क्या रहेगी कागज़ की पर्चियाँ बाउल मतलब कोई भी एक कटोरा टाइप या आप रसोई घर से कोई वो टोपिया इत्यादि ले सकते हैं खिलौना माइक और समय प्रबंधन की घड़ी इत्यादि अब समय प्रबंधन की घड़ी हमारे मोबाइल में वो एक, 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 एक स्टॉप वॉच नाम का एक ऑप्शन आता है वहाँ से आप ले सकते हैं गतिविधि के चरण इस प्रकार से रहेंगे कि अभ्यास करने के लिए एक दो तीन चार कोने बने शिक्षक एक कथन पढ़े और चार विकल्प बताएं जिनका अनुसरण करना है प्रत्येक वैकल्पिक उत्तर किसी एक कोने को व्यक्त करता है चौथा विकल्प एक खुले कोने के रूप में ही रूप में होगा और वे विद्यार्थी जो अन्य विकल्पों से सहमत नहीं हैं वे खुले कोने में खड़े हो सकते हैं और अपना स्वयं का उत्तर दे सकते हैं मतलब कोई भी हमने एक बात कही इस बात के तीन चार हम जवाब देंगे कि ये ये चीज़ें हो सकती हैं हो सकता है टीचर उन बच्चे उन बातों से सहमत हों तब तो वो कि जैसे ये हाँ ये ना आ, को, कोई भी एक चीज़ के लिए हम कहें कि जैसे मान लो हम बात ये करें कि एक हालांकि इस की स्तर बड़ा है मान लो हमीद वाली कहानी की बात कर ली हमने ईदगाह की और ईदगाह पर हमने कहा कि हमीद एक अच्छा लड़का था तो यदि वो हाँ में सहमत हैं तो हाँ के कोने में ना में सहमत हैं तो ना के कोने में और एक ऐसा कोना हो जिसमें वो सबके लिए ओपन हो वहाँ जो तीसरे कोने में जो या चौथे कोने में जो बच्चे खड़े होंगे वो खुला कोना है ओपन कॉर्नर है वहाँ पर जाके बच्चे अपना उत्तर बता सकते हैं नहीं सर हामिद अच्छा लड़का था ये बात ठीक है लेकिन वह अपने दोस्तों मतलब समी नूरे मोहम्मद इनके साथ और चिमटे की बात पर वो थोड़ी सी आ, हम कह सकते हैं बेईमानी भी करता है वो कहता है कि तुम मेरा चिमटा तुम्हारे वकील साहब का पेट फाड़ देगा और उसका कानून उसके पेट में घुसेड़ देगा इस प्रकार की वो बातें करता है तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं कूतर्क भी कर रहा है तो इस प्रकार से वो अपनी बात बच्चे रख सकते हैं तो प्रत्येक कथन के बाद सहभागियों को कारण पूछा जाए और उन्हें कोई खास कि उन्होंने यह खास विकल्प क्यों चुना विद्यार्थी इसका जवाब बोलकर और लिखकर दोनों तरीकों से दे सकते हैं और सीखने के प्रतिफल क्या रहेंगे कि विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद का कौशल विकसित होगा ये कक्षा छः से आठ का ही है भाषा कौशल विकास एवं मूल्य परक शिक्षा में साहसिक घटना पर अंग्रेजी फिल्म ये हमने देख लिया था एक ही पेज सहे दो बार आ गए अब देखते हैं भाषा कौशल विकास पर एक जीवन वाच जीवनी वाचन इसमें गतिविधि के चरण ये रहेंगे कि विद्यार्थी बारी बारी से अपने आदर्श महापुरुषों की जीवनी का वाचन तीन तीन मिनट के लिए करें महात्मा गांधी भगत सिंह नेहरू जो भी उनके जो रोल मॉडल हैं जिनके बारे में वे जानते हैं उनकी विषय में बात करें ज़रूरी नहीं कि महात्मा गांधी नेहरू तक ही जाएँ वो अपने गांव से अपने घर से अपने दादाजी अपनी माताजी पिताजी मम्मी जीजी, इन सब के विषय में भी बात कर सकते हैं कि मुझे अपने घर में मेरे दादाजी सबसे ठीक लगते हैं क्योंकि वो जब भी बाज़ार जाते हैं मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले कर आते हैं और वे मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं घर वाले कभी भी कभी डांट देते हैं तो दादाजी मेरे पक्ष में खड़े होते हैं इस प्रकार से बच्चे अपनी बातें बता सकते हैं सीखने के प्रति शिक्षक सभी महापुरुषों के कार्यों को फिर समेकित करेंगे और सीखने के प्रतिफल रहेंगे कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों पर समझ विकसित होगी महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होगा विद्यार्थियों में वाचन कौशल की क्षमता का विकास होगा और शब्दकोश में वृद्धि होगी आगे चलते हैं बी स्मार्ट में ये रोल प्ले करना है दो घंटे का समय कुर्सी मेज़ अखबार कार्टून चरित्र का मुखोटा या कोई भी फैंसी ड्रेस यदि संभव हो तो मतलब किसी महापुरुष का यदि हम रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके जैसी ड्रेस हम पहनकर बच्चे पहनकर वहाँ उपस्थित हों तो विद्यार्थियों को अलग अलग स्थितियों के पर्ची दें और अपने दोस्तों के साथ बारी बारी से उनका अभिनय करने को कहें जैसे एक पसंदीदा कार्टून चरित्र एक खिलाड़ी का साक्षात्कार ले रहा है एक विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के बच्चे का साक्षात्कार ले रहा है एक बालक ने अपने राज्य में टॉप किया है तो उनके साथ साक्षात्कार लेना या बैटमैन और सुपरमैन के बीच की बातचीत एक अंतरिक्ष यात्री और एक एलियन के बीच बातचीत हो रही है तो वो किस विषय पर बात कर सकते हैं इस प्रकार की संभावनाएं बच्चे स्वयं खोजेंगे हाँ टीचर उनकी मदद कर सकते हैं सीखने के प्रतिफल होंगे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास होगा और विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद कौशल का भी विकास होगा अब भाषा कौशल विकास में जैसे हम देखें कि गतिविधि का नाम है आओ सुनकर खेलें हुर्राबू गतिविधि का तरीका है कि सबसे पहले विद्यार्थियों को अध्यापक की बात को ध्यान से सुनने और समझने को कहा जाए उसके बाद उनसे संबंधित प्रतिक्रिया करने को कहा जाएगा अथवा अध्यापक की बात को सुनकर विद्यार्थियों को दी गई बात को सुनकर उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रतिक्रिया करने को कहा जाए जिससे कि ना केवल सुनने की अपितु सुनकर समझने और प्रतिक्रिया करने की कौशल का भी विकास हो सके इस तरह के खेल को बच्चों की प्रातःकालीन दिनचर्या में भी शामिल किया जा सकता है इस खेल में बच्चों को अध्यापक की बात सुनकर प्रतिक्रिया करने को कहा जाए यदि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बच्चों द्वारा बोले गए वाक्य सही हैं तो शेष सभी बच्चों को हुर्रा करने को निर्देश दिया जाए यदि वाक्य सही नहीं है तो बू शब्द बोलने का निर्देश दिया जाए और ये भी हो सकता है कि आप हाँ ना सही गलत इस प्रकार के कोई भी शब्द वहाँ रख सकते हैं जैसे बच्चों को एक आइसक्रीम प्राप्त होती है तो हुर्रा मध्यान्ह भोजन अवकाश रद्द कर दिया जाए तो बू मतलब नहीं र रखा जाए <coughs> सीखने के प्रतिफल रहेंगे बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित होगा अगला है खेल एक नीर तीर नीर तीर का मतलब वो ध्यान से सुनना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया या अपनी एक्टिविटी करने का प्रयास कर सकते हैं आपको आप इसको नीर तीर की जगह इन आउट कर सकते हो अंदर बाहर कर सकते हो गोल घेरा बना सकते हैं अपन किसी पैर अपने अपने पैर से एक घेरा बनाकर एक या एक सीधी लाइन खींच सकते हैं उसके अंदर और बाहर की किया जा सकता है दो लकड़ियां रख सकते हैं लाठी के जितनी बड़ी और उनके अंदर किया जा सकता है दो रस्सी बांधी जा सकती हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी हम ये चीज़ कर सकते हैं तो ये आप इस नीर तीर वाले से इनआउट वाले से भले भांति परिचित हैं देखने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ सीखने के प्रतिफल रहेंगे सुनने और समझकर सही प्रतिक्रिया देने के कौशल का विकास होगा अब आते हैं अगली गतिविधि पर मारो और बोलो तो गतिविधि का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले अध्यापक द्वारा दीवार पर या ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर चौक से या मार्कर से कुछ वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखा जाएगा विद्यार्थियों को बारी बारी से एक सॉफ़्ट बोल दी जाएगी और उन्हें किसी भी एक वर्ण पर बोल से मारने को कहा जाएगा या वो ब्लैकबोर्ड पर मारेंगे वहाँ बोल जिस वर्ण पर टच होती है जिस वर्ण पर लगती है जिस वर्ण के घेरे में जाती है उस वर्ण पर बच्चों से कहा जाएगा कि इस वर्ण से प्रारंभ होने वाले किन्हीं पांच वस्तुओं के नाम आप अपने कक्षा या अपने ग्रुप के बच्चों के मध्य रखें इससे सीखने का प्रतिफल होगा कि बच्चों में वर्ण ज्ञान व शब्द कोश में इसकी वृद्धि होगी अगला है भाषा कौशल विकास इसमें बूझ हो तो जाने आवश्यक सामग्री विभिन्न कार्य या व्यवसाय करने वाले लोगों के चित्र हो सकते हैं अध्यापक हो सकते हैं डॉक्टर हो सकते हैं वकील हो सकते हैं पुलिस है सेना है इन लोगों के चित्र हम और बच्चों को दें और उनसे पहचानने को कहें तथा पहचान के बाद उनके उस ड्रेस विशेष के कारण से हमने उनकी पहचान की बच्चों ने और बच्चों से पूछा जाए कि इन लोगों का काम क्या होता है जैसे ड्राइवर की बस हमने चित्र हमने दिखा दिया कि बेटा ये ड्राइवर ये कौन है ये ड्राइवर इनका काम क्या होता है ये कौन है डॉक्टर इनका काम क्या होता है आप दो तीन चार पाँच जितने भी उस व्यवसाय के बारे में बातें बताएंगे उतने ही बच्चों का कौशल विकसित होगा अब आते हैं सीखने के प्रतिफल में कि विभिन्न व्यवसाय के बारे में जान सकेंगे और चर्चा के माध्यम से समय के साथ साथ वाचन कौशल का भी विकास होगा ये चित्रकला के द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा इसमें हम बच्चों से कह सकते हैं कि आप ये कागज़ लीजिए और अपने हिसाब से कोई भी एक चित्र बना दीजिए और उस चित्र को आपने बना दिया उसके बाद में आपके अपने ग्रुप के बच्चों के सामने उसका प्रजेंटेशन देंगे कि जैसे ये बरसात का दिन है ये तूफान वाला है ये सामान्य दिन है तेज धूप है या हम कह सकते हैं एक खेत बनाया है एक पहाड़ बनाया है जिसके पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है तो इस प्रकार की जो चित्र वो बच्चे बने उसका प्रस्तुतिकरण उसकी वो प्रजेंटेशन भी बच्चों के सामने कर सकें तो इससे दो फायदे होंगे एक तो बच्चों के मन में और वो चित्र बनाने की जो ललक है वो ललक जगेगी वे अपने प्रतिभा को सामने रख सकेंगे जो कि हमारे डे का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना और इसके बाद में वे अपने उस चित्र के बारे में अपने आप को प्रजेंट कर सकेंगे बता सकेंगे तो विद्यार्थी अपने मन में निहित तो समस्त भावनाओं को सोच को चित्रकला के द्वारा प्रदर्शित कर पाएंगे और सभी बच्चे एक दूसरे के अनुभवों की प्रशंसा कर सकेंगे उनको सुन सकेंगे अब आता है भाषा कौशल विकास में कोलाज मेकिंग इसमें चार्ट पेपर समाचार पत्र या पुरानी पत्रिकाएँ काम में आएंगी शिक्षक कक्षा को छः समूह में विभाजित करेगा ज़रूरी नहीं कि आपके पास बच्चे कम हैं तो आप कम कर सकते हो ज़्यादा हैं तो ज़्यादा कर सकते हो और बच्चों को एक एक थीम जैसे पानी पृथ्वी घाटी के साथ एक चार्ट पेपर दिया जाएगा और वे अखबार और पत्रिकाओं से चित्रों को काट कर एक कोलाज बनाएंगे अंत में वे अपना काम समूह को समूह के रूप में प्रस्तुत करेंगे कोलाज का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा फोटो एक से ज़्यादा चित्र एक जगह पर रखना या एक जगह पर प्रस्तुत करना और तो सीखने के प्रतिफल क्या रहेंगे कि छात्रों को कागज़ का टुकड़ा बनाकर उस अपने विचार व्यक्त करने के लिए उसमें स्पेस मिलता है अब आता है ध्वनियों के साथ खेल पेंसिल और कागज़ सामग्री गतिविधि का तरीका ये रहेगा कि शिक्षक समूह के लिए एक टंग ट्विस्टर जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को है ना इस प्रकार से चय चय वाले वर्ण ज़्यादा हों को सुनाएगा और बच्चों को उसको दोहराने के लिए कहेंगे जब वॉलेंटियर छात्रों से बताने के लिए कहें अब शिक्षक चार्ट और पेंसिल देंगे और बच्चों को एक ध्वनि या शब्द के साथ तीन प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एक टंग ट्विस्टर बनाने को कहेंगे और कुछ नई रचनाओं को सुनने के को सुनने के लिए मज़ेदार रूप में वे बच्चे अपने आप को अपने समूह के बच्चों के साथ शेयर कर सकेंगे सीखने के प्रतिफल रहेंगे कि छात्रों को शब्दों और ध्वनियों के साथ खेलने और अपने स्विम के शब्दों का आविष्कार करने के लिए स्पेस मिलेगा वे कर सकेंगे अगली गतिविधि है जो हम कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इस वीडियो में बताई जाने वाली समस्त गतिविधियाँ ही आप करवाएं। आप दो चार समय के हिसाब से करवा सकते हैं अनुमान करें कौन प्रसिद्ध लोगों की तस्वीरें शिक्षक प्रसिद्ध लोगों जैसे स्वतंत्रता सेनानी खिलाड़ी खोजकर्ता आविष्कारक वैज्ञानिक की अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे उन्हें पहचानने या उनकी प्रसिद्धि के अपने बिंदु साझा करने के लिए कहेंगे व्यक्तिगत रूप से बच्चे या बच्चों का समूह उन्हें जवाब दे सकता है फिर शिक्षक समूह के बारे लिए उनके बारे में अपनी बात को और विस्तार से बच्चों के सामने रखेंगे ताकि बच्चों की जो नॉलेज है उसमें वृद्धि हो सके प्रतिफल रहेगा कि छात्रों को स्मृति बढ़ाने और तथ्यों के साथ अपनी सोच को सही ठहराने का अवसर प्राप्त हो सकेगा ये भाषा कौशल विकास का अगला पड़ाव आता है ये समूह है दो के लिए कि पता लगाओ कौन छुपा है तो जैसे समूह के बच्चों को शिक्षक गोल घेरे में बैठने को कहे जब सब अपने स्थान पर बैठ जाएं तो शिक्षक एक बालक का नाम लेकर कहा कहेंगे कि तुम बाहर जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर न आना जब वह बालक बाहर जाएगा तो घेरे में बैठे एक बालक को शिक्षक बीच में बुलाकर उसे काले कपड़े से ढक देगा अब बाहर गए बालक को बुलाकर कहेंगे कि पता लगाओ इसमें कौन छुपा है अब बच्चा क्या करेगा वहाँ उस गोल घेरे में बैठे हुए बच्चों को पहचानेगा कि यहाँ पर मैं गया था तब दस बच्चे थे और दस में से ये ये बच्चे थे वो दस और इनमें ये बच्चा नहीं है तो हम पहचान इस प्रकार से पहचानेंगे ताकि इससे क्या होगा कि बच्चे की जो मेमोरी है बच्चे की जो यादाश्त है जो स्मरण शक्ति है वो विकसित होगी बालक घेरे में बैठे बालकों का अवलोकन कर पता लगाने का प्रयास करेगा कि कौन हो सकता है दो तीन बार प्रयास करने के बाद भी अगर पता न चले तो उसे वो करना पड़ेगा जो समूह चाहेगा नाचना गाना मेंढक की चाल चलना या मुँह का भी नहीं करना मतलब गूँगा बनकर एक अभिनय करना रेंग कर चलना बिल्ली मोसी बनकर दिखाना या कोई भी एक इस प्रकार हाँ सजा नहीं है लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से एक एक्टिविटी बच्चे से उस बच्चे से करवाई जाएगी जो पहचान नहीं पाएगा तो इससे क्या होगा बाकी बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा और अगर बच्चा पहचान लेता है तो जो बालक छुपा हुआ होता है उसे ये काम करना पड़ेगा मतलब ये मनोरंजन वाला काम तो करना ही करना है हर एक बच्चे के साथ लेकिन कौन सा करे ये उस ब उन बच्चों पर डिपेंड है जो बाहर जाके आएगा दूसरी गतिविधि में क्या होगा कि एक चरण में शिक्षक घेरे के बीच एक थैला रखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होंगी एक एक बालक क्रम से आएगा और थैले में हाथ डालकर एक चीज़ को छूकर अनुमान से पहचानने का प्रयास करेगा पहचान लेता है तो उस वस्तु को बाहर निकाल कर सबको दिखाएगा और घेरे में बैठे बालकों में से किसी भी बालक का नाम लेकर उसे उस वस्तु के कोई दो उपयोग बताने को कहा कहेंगे जैसे हमने थैला रखा थैले में दस प्रकार की चीज़ें रख दी एक बच्चे ने अंदर हाथ डाला देखेगा नहीं हाथ से के स्पर्श से वो पहचानेगा कि ये क्या चीज़ है पहचान ली बाहर निकलेगा यदि उसने पहचानी वही चीज़ है तो वो अपने ग्रुप के किसी भी एक बच्चे को कहेगा कि दोस्त हे दोस्त आप इस चीज़ के कोई भी दो या तीन या चार या पाँच उपयोग बताएं कि फला चीज़ किस काम में आती है और यदि वो नहीं पहचान पाता है मान लो उसने पहचान ली कि पाने इसके अंदर और एक बोतल है लेकिन उसने देखा तो वहाँ पर कोई बोतल नहीं थी तो अब उस बच्चे को और शिक्षक कहेंगे कि अब आप किसी भी एक चीज़ के बारे में या अपनी कोई दो अच्छी आदतों के बारे में बताओ तो वो इस प्रकार से बताएंगे इससे क्या होगा कि अवलोकन और अनुमान लगाने की क्षमता का विकास होगा और परिवेश की वस्तुओं के उपयोग और महत्व को वे समझ सकेंगे परिवेश का मतलब अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में यह अंताक्षरी है अंताक्षरी भी आप जानते हैं किस प्रकार से करवानी है इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं और भाषा कौशल विकास में कहानी रचना की बात यदि हम करें तो यह की जा सकती है शिक्षक वस्तुओं अब क्या करेंगे हम जैसे इसमें मैं छोटा सा इस लिखे हुए की बजाय हम सीधे बताते हैं कि हमने आ, हमारे समूह में मान लीजिए कि पंद्रह या बीस बच्चे बैठे हम कम से कम मान के चल रहे हैं दस पंद्रह या बीस बच्चे बैठे सभी बच्चों से कहा जाएगा कि बेटा आप एक एक शब्द बताओ और वो बच्चे जो शब्द बताते हैं उन शब्दों को हम क्या करेंगे उस बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देंगे और मोटे मोटे अक्षरों में लिखने के बाद सभी बच्चों से को एक एक कागज देंगे और कहेंगे कहा जाएगा कि इन पर आप अपना अपना नाम लिखें और अपनी क्लास का नाम क्लास लिखें सबसे पहले नाम क्लास और जिस दिन की वो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं उस दिन का उन बच्चों से तारीख लिखवा लीजिए अब हम क्या करेंगे समूह का नाम भी लिखवा सकते हैं जैसे उन्नति है क्षितिज है इत्यादि अब हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा आप बोर्ड पे लिखे हुए ये पंद्रह नाम का प्रयोग इन पंद्रह नामों का प्रयोग या इन पंद्रह शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी बनाइए एक शब्द एक से ज़्यादा बार लिया जा सकता है अन्य और शब्द जो बोर्ड पर नहीं है वो कितने भी काम में लिए जा सकते हैं लेकिन बोर्ड पर जो शब्द लिखे गए हैं वो एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए मतलब उन सभी पंद्रह बीस पच्चीस या दस शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी एक पैराग्राफ एक कविता या अपनी कोई बात इस प्रकार से सभी बच्चों को वहाँ पर लिखने के लिए एक टास्क दिया जाए और ज़रूरी नहीं कि पहला शब्द ही पहले आए पहले शब्द को हम अंत में ले सकते हैं अंतिम वाले को बीच में ले सकते हैं बीच वाले को पहले ले सकते हैं शब्दों का क्रम उल्टा सुल्टा या इधर उधर हो सकता है लेकिन इस प्रकार से हम गतिविधि करवा सकते हैं इससे सीखने का प्रतिफल क्या होगा कि छात्रों में वाक्य रचना और कहानी लेखन की समझ विकसित होगी आओ ड्रामा करें ड्रामा करने में क्या होगा हम जैसे बच्चों को कुछ पाँच दस बच्चे लें बाकी देखने के लिए काम में होंगे दे, बाकी देखेंगे चार चार-पांच बच्चे आए यदि हमने बाज़ार का दृश्य बना दिया एक को दुकानदार बना दिया एक वहाँ बस स्टैंड पर खड़ा है दो चार बच्चे आए वो ग्राहक के रूप में आए वो अलग अलग चीज़ें मांगते हैं और जो दुकानदार के रूप में जो बच्चा है वह उन बच्चों को मांगी गई चीज़ें देने लगेंगे या दे देंगे इससे क्या होगा बस एक चीज़ों की पहचान आदि वो समझ सकेंगे तो छात्र अपने संचार कौशल को, को विकसित कर सकेंगे और छात्र भाषा में प्रासंगिक उपयोग को, को समझ सकेंगे एक बस स्टैंड का दृश्य दिखाया जा सकता है बस स्टैंड पर एक कोई पुलिस वाले को खड़ा दिखाया जा सकता है जिससे कोई दूसरे दो बालक आ रहे हैं उनके पास हेलमेट नहीं है जैसे बाइक का सीन लेकर आते हैं या हम कहें कि वो आ, कहीं किसी गांव या किसी ढाणी या किसी व्यक्ति का पता पूछते हैं तो इस प्रकार से किस प्रकार से हमें एक अनजान व्यक्ति से बात करनी है हम किसी दुकानदार से किसी अनजान शहर में गए किसी दुकानदार से हमने रास्ता पूछा कि फला स्कूल कहाँ है फला मंदिर कहाँ है फला मस्जिद कहाँ है फला मोहल्ला कहाँ है तो इस प्रकार से हमें उन बच्चों वो बच्चे किसी दूसरे या मतलब है तो उनका साथी लेकिन अनजान के रूप में हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि वो ड्रामा कर रहे हैं और वे अनजान व्यक्ति से बात करने का तरीका सीख सकेंगे भाई साहब मुझे वहाँ जाना है क्या आप हमें रास्ता बताएंगे कि मैं किधर से जाऊँ कौन सा रास्ता लूँ मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ मुझे वो उनका घर नहीं मिला वो रास्ता नहीं मिला वो स्कूल नहीं मिली मेरी परीक्षा है मैं लेट हो रहा हूँ मुझे प्लीज़ वहाँ तक छोड़ें या छुड़वाएँ या मुझे रास्ता बताएँ इस प्रकार से हम इन गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं सुनो सुनो मेरे कितने नाम यहाँ पर क्या होगा प्रथम चरण में हम क्या करते हैं कि शिक्षक बालकों को चंद्राकार में बैठे मतलब हाफ घेरे में उसके बाद वो प्रत्येक बालक उसका नाम पूछे जब एक बार सब बच्चों के नाम पूछ ले तब अपनी तरफ से ये जोड़ते हुए चर्चा के करें कि प्रत्येक प्राणी और वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है बहुत सी वस्तुओं और प्राणियों के एक से अधिक नाम हो सकते हैं और शिक्षक बालकों को पुनः प्रश्न करें कि आप सब में से किस किस के एक से अधिक नाम हैं हाथ खड़ा करें जो जो बालक हाथ खड़ा करेगा उनसे पूछा जाएगा कि आपका दूसरा और नाम क्या है बालक इस तरह से अपने उपनाम बताएंगे यहाँ पर हो सकता है जैसे मान लो किसी ने बता दिया किसी लड़की का नाम जैसे सरिता है तो बेटा सरिता किसे कहते हैं नदी को कहते हैं तो नदी उसका दूसरा नाम हो गया उसके अलावा सैलजा हो गया उसके अलावा निम्नगा हो गया से तरंगणी हो गया तटिनी हो गया वो नदियों के जैसे प्रिय बच्चे बताते हैं कोई बच्चा कहेगा कि सर मेरा नाम बादल है हम उनको उपनाम दे सकते हैं ज़रूरी नहीं कि बच्चा अपना ही नाम बताए हम बच्चों को उपनाम भी दे सकते हैं एक ने बताया कि सर मेरा नाम बादल है तो बादल बेटा आपके और कौन कौन से नाम हो सकते हैं आपका नाम मेरा नाम सर आकाश है तो आकाश के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं सर मेरा नाम पुष्पा है तो पुष्पा के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं मेरा नाम सुमन है तो सुमन के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं गुलाब है गुलाब का और कौन सा नाम हो सकता है मेरा नाम नीरज है नीरज की और कौन से नाम हो सकते हैं तो इस प्रकार से बच्चों की जो पर्याय शब्द हैं वे पर्याय शब्द और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सुधर जाएंगे बढ़िया जानकारी उनके मन में बैठ जाएगी और वे बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं साथ ही वे दूसरे बच्चे के विषय में भी यहाँ पर जान रहे हैं तो बच्चों में चिंतन और पहचान का कौशल विकसित होगा और पूर्व जान को नए जान से के साथ जोड़कर नई जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे यहाँ बच्चों में चिंतन और पहचान करने का कौशल विकसित होगा हो ये गतिविधि का दूसरा तरीका है जिसमें अंग्रेजी और दो हिंदी दोनों में करवाई जा सकती है एक शिक्षक के कक्षा में चलेंगे कि मैं चल रहा हूँ इसको और ए, ए, मैं चल रहा हूँ इस तरह से वह कक्षा में अन्य स्थितियों को बनाएगा और कक्षा से बाहर निकल कर वाक्यों को बोल बोल हैं बोलते हैं जैसे पंखा चलता है पंखा है चलती है मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं गेट खुला है बच्चे खेल रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं मेरी जेब में कलम है मेरे पास काले जूते हैं छपरासी घंटी बजा रहे हैं मैं पानी पी रहा हूँ तो और सिक्स सेकेंड हो गया फिर थे में शिक्षक अपनी भूमिका निभाने के बाद छात्रों को स्वयं स्थिति बनाने और वाक्य बोलने के लिए कहेंगे शिक्षक प्रश्न पूछेंगे भूमिका निभा रहे हैं और छात्रे जवाब दे रहे हैं तो इस प्रकार से वे जो दृश्य देख रहे हैं बच्चों जैसे टीचर ने अपनी बात बताई कि मैं चल रहा हूँ पंखा चल रहा है हम सब बैठे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो हवा चल रही बह रही है पक्षी चहचह रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं दाना चुग रहे हैं तो वो जो दृश्य बच्चों ने टीचर ने देखा वो उन्होंने बताया अब बच्चों के सामने हम अलग अलग दृश्य रखेंगे कि बेटा आप जैसे बाज़ार में गए तो वहाँ का दृश्य बताइए आप रेलवे स्टेशन गए वहाँ का दृश्य बताइए आप बैंक गए वहाँ का दृश्य बताइए कि मैं बैंक गया वहाँ पर मुख्य द्वार पर और चेनल गेट को साइकिल से बांध के रखा गया था है यहाँ पर अंदर एक सिपाही या एक संतरी या एक चौकीदार बंदूक लिए खड़ा है अंदर कुछ काउंटर हैं काउंटर पर अलग अलग लोग बैठे हैं सबके पास कंप्यूटर लगे हैं कुछ लोग लाइन बनाकर खड़े हैं कुछ लोग वहाँ पर कुर्सियों और सोफा पर बैठे हैं कई लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं जो वहाँ बैंक में ही इधर उधर टहल रहे हैं इस प्रकार से दृश्य बताना है तो इससे बच्चे क्रिया के बारे में जानकारी बढ़ा सकेंगे अब आता है साक्षात्कार देना तो गतिविधि का तरीका क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को हम सामने बैठा ले और उसे मान लेते हैं कि आप किसी ए, किसी भी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उससे अब हम उनसे सवाल करना सीखेंगे ये आपके गांव, शहर तहसील जिला मंडल राज्य देश का नाम बताएँ राजधानी बताएं और प्रसिद्ध चीज़ क्या है आपके राज्य की आपके आदर्श कौन है आपके इलाके की मुख्य फसल कौन सी है जंगली स्टोक का नाम बताओ इत्यादि बहुत सारे आपके राज्य का राज्य वृक्ष क्या है राज्य पक्षी क्या है राज्य पशु क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बच्चों से और साक्षात्कार के रूप में करवा सकते हैं तो ये अलग अलग स्टेट से जैसे हमने बना दे हुए बच्चों को पहले दिन क्योंकि हमें एक सप्ताह पहले ये बताने होते हैं और हम ये करवा सकते हैं ये सॉरी खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान आ गया ये भाषा कौशल विकास इसमें हम सुनो सुनाओ शब्दकों से बढ़ाओ तो यहाँ पर क्या होगा विद्यालय में निहित वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित सबसे पहले अध्यापक विद्यालय के कैंपस जैसे खेल मैदान कक्षा कक्ष कंप्यूटर ले विज्ञान अथवा भूगोल प्रयोगशाला पुस्तकालय और स्कूल के ऑफिस आदि में उपस्थित या स्थित वस्तुओं के नाम बच्चों से पूछेंगे और अंग्रेजी में भी पूछेंगे आवश्यक होने पर अध्यापक उनकी सहायता कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अध्यापक भवन के बाहर उपस्थित स्थान जैसे हॉस्पिटल बैंक डाकघर मंदिर मस्जिद चर्च जिम इत्यादि चीज़ों के नाम लेंगे और उनसे अंग्रेजी में उनसे मीनिंग पूछा जाएगा बार बार नाम बोलने और पूछने से विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी तथा अधिगम स्थाई होगा इससे सीखने का प्रतिफल रहेगा कि बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होगी सुनकर सीखें तो दैनिक जीवन में आधारित अध्यापक के कुछ शब्द जैसे दैनिक जीवन में जो भी काम में आने वाली चीज़ हैं उन चीज़ों के नाम बताएंगे और बच्चे उनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे या अंग्रेजी में नाम उनका बता सकते हैं यहाँ पर यह समूह चार के लिए है गोशिप का खेल यहाँ कागज़ और पेन लेंगे बच्चों को गोल घेरे में बैठाएंगे और एक कोई भी काल्पनिक कहानी सुनाएंगे कि हम एक बार वहाँ गए थे कोई यात्रा वृत्तांत हो सकता कोई भी अब हम बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा आप भी इस प्रकार की कोई भी एक ही काल्पनिक कहानी लिख कर हमें दीजिए ये कहानी हम बच्चों से वो कहानी भी लिखवा सकते हैं इस गतिविधि में कि बच्चों से ही पूछा जाए कि बेटा नाम कोई भी एक शब्द बताओ और वो शब्द बताएं हम बोर्ड पे लिखें और बच्चों से उस गतिविधि को करवाने के लिए कहा जा सकता है इसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा और बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा जाने अनुवाद को इसमें कागज़ और पेन है और हम सभी अध्यापक सभी बच्चों को प्रथम गतिविधि में बनाई गई कहानी के ऊपर वोटिंग करने को कहेंगे अध्यापक इसी प्रकार की और कोई कहानी सुनाएंगे और एक पेज की कहानी या विषय वस्तु संस्कृत हिंदी अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में लिखने को कहेंगे इससे बच्चों की शब्दकोश बढ़ेगा और बच्चे चाहें तो शब्दकोश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं शब्दों का विश्लेषण ये ग्रुप संख्या पाँच है जिसका नाम उन्नति है कक्षा ग्यारह और रही बारह के लिए इसमें क्या करेंगे गतिविधि का विश्लेषण करेंगे समूह को एक कक्ष, पूरी कक्षा को सॉरी पूरे समूह को हम पाँच भागों में विभाजित करेंगे जिनका नाम पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश रखेंगे और पांच विषय की पर्ची तैयार करेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूं चाहती हूं मेरा परिवार मैंने क्या देखा आंखों देखी घटना का विवरण और मेरी रुचियाँ या आपवीती स्वयं के साथ कोई घटना घटित हुई उस घटना का विवरण बच्चों से यहाँ पर लिखवाया जा सकता है इससे सीखने का प्रतिफल रहेगा कि विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता का विकास होगा उनकी स्मरण शक्ति तेज़ होगी और मौलिक अभिव्यक्ति का भी विकास होगा एक और है कि तुकबंदी के द्वारा अपने विचारों को आकार देना जैसे वही हमने समूह पाँच बना लिए पहले वाले और पाँच परिस्थितियाँ रख दी कि सुबह का दृश्य सूर्यास्त का दृश्य बाजार का विद्यालय परिसर का मेले का दृश्य और इस दृश्य के बारे में आप कम से कम दस दस पंक्तियाँ लिख कर दीजिए तो इस प्रकार की ये गतिविधि करवाई जा सकती है और विभिन्न रस वाली लघु कविताओं का पाठ किया जा सकता है मतलब वीर रस की है शांत रस की है श्रृंगार रस की है हास्य रस की है इन प्रकार की कविताओं का वाचन किया जा सकता है और लय सुर ताल के साथ किया जाए जा तो ज़्यादा समुचित तो वो बैठता है और अब बच्चों से भी कहा जाए कि बेटा आप भी इस प्रकार की कोई चीज़ बता सकते हो और इस प्रकार से अब जैसे मान लो वीर रस की कविता सुनानी है तो भूषण की कोई भी कविता हम वहाँ पर सुना सकते हैं और ये जैसे मतलब अंग्रेजी में आ गया ये कागज़ और कलम लेंगे और ये गतिविधि जैसे आप यहाँ पर हैं कोई कविता या कोई भी चीज़ लिखेंगे और ये झपाक धड़ाम के साथ भी जैसे प्रत्येक टीम के द्वारा एक कविता तैयार की जाएगी इसके लिए पुस्तकालय की मदद ली जा सकती है इसी प्रकार से हिंदी शब्द जैसे धड़ाम छपा के साथ भी किया जा सकता है और प्रत्येक टीम के द्वारा बड़े समूहों में कविता का पाठ किया जाएगा और आगे है ग्रेट डिबेटर तो किसी भी विषय पर हम दो बच्चों या दो ग्रुपों में हम कह सकते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं इसमें सार्वजनिक वाचन की क्षमता का विकास हो पाएगा तो ये आ गया रिले लेखन इसमें कागज़ और कलम है और तीन चार बच्चों किस बच्चों के तीन चार समूह बनेंगे तीन तीन चार चार के और किसी एक विषय पर समूह का पहला छात्र लिखना शुरू करेगा शिक्षक स्टॉप वॉच के साथ समय देखेंगे एक दो मिनट के बाद शिक्षक समूह में अगले छात्र के अगले छात्र को पेपर पास करने का निर्देश देंगे और इस छात्र को निबंध के अधूरे टुकड़े को पूरा करने को कहा जाएगा जैसे हिंदी साहित्य में भारतेंदु ने और ये एक रखा था समस्यापूर्ति है ना तो समस्या पूर्ति वाला जो मामला था कि तीन लाइनें एक बच्चे ने लिख दी उसके बाद में अगले बच्चे से कहा जाए कि इसी लाइन को इसी बात को और आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से ये जो समस्या समाधान है वह है करवाया जा सकता है यहाँ पर ये ग्रेट डिबेटर और रिले लेखन वाला दो बार हो गया था और इसका सीखने का प्रतिफल रहेगा कि विद्यार्थियों में दल भावना का विकास होगा और सभी विद्यार्थी किसी भी एक विषय पर लिखना सीख सकेंगे तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और हमें हिम्मत देते रहें धन्यवाद नमस्ते जय हिंद जय जै भारत